जी मेरा बीएन शुक्ला ज्वाइन कर रहे थे मेरे अच्छा बेतिया में। आपकी आपसे आपसे यही कहना है कि हम देख रहे हैं कुछ धोखा हो रहा है ना, कि हाँ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्रिमिनल लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं ना, आपको तो मालूम नहीं है। हाँ किसमें ज्वाइन हो रहे हैं, आपको तो मालूम है नहीं, लेकिन किसमें यहाँ ज्वाइन हो हम रहे हैं, देख रहे किसमें ज्वाइन हैं, हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहे किसी हैं, इसलिए आपका ये मंसूबा गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मंसूबा बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। और यदि नहीं यदि बिल्कुल, क्रिमिनल को ये मालूम हो कि उसके ऊपर ताज नहीं लगेगा क्योंकि उसको टिकट नहीं मिलेगा, और फिर वो जो है इसके बावजूद भी क्राइम फ्री भारत से जुड़कर लोगों को जोड़ेगा, तो ऐसे अपराधी को मैं सलाम करता हूँ। उन जो है ना, जी उन विद्वानों से ज्यादा वो अच्छे हैं जो साले जी कुड़गर्ज हैं, बेकार हैं, अब जो है जो जिसने देश के लिए कोई काम नहीं किया वो विद्वान अच्छे हैं, कि ये अपराधी ज्यादा अच्छे हैं जो जी उन्हें मालूम है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें मालूम है उन्हें क्राउन नहीं मिलेगा, फिर भी देश हित जी के 21 लक्ष्यों के लिए काम करने वाले हैं। तो बताइए, अपराधी अच्छे हैं कि विद्वान अच्छे हैं जो जानते हुए सो रहे हैं? कौन अच्छा है, जी जी कौन कहने का अच्छा है? मतलब है नहीं कि हमने आपके हो नहीं आप हमने ही बताइए, आपको कौन अच्छा है, अपराधी अच्छे हैं या जो है ऐसे विद्वान अच्छे हैं जो खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, देश का इतिहास बदल दिया गया, देश के संविधान में आर्टिकल फर्जी घुस गए, देश के संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बनाए गए, संविधान की जो दिशा निर्देश है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, और ये विद्वान जी साले सब सब जो है चुप बैठे हुए हैं, पत्रकार सब चुप बैठे हुए हैं, तो ये पत्रकार विद्वान और बाकी लोग अच्छे हैं कि वो अपराधी अच्छा है कि उसको ये मालूम है कि क्राइम फ्री भारत के अनुसार उसे ताज जी नहीं मिलने वाला है, टिकट नहीं मिलने वाला है, वो चंद्रगुप्त बन भी जाएगा लेकिन उसे टिकट नहीं मिलेगा, वो मंत्री भी नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। तो आप बताओ, वो अपराधी ज्यादा अच्छा है कि ये हम आपको विद्वान ज्यादा बताएंगे, अच्छे हैं? हम हमारे एक आपके हिसाब से क्या, जो अपराधी ज्यादा अच्छा है कि ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी सर जो जो एक मिनट, हम दो आदमी चार आदमी के बगल में अगल बगल है, अभी न्यू कुछ पाल रहे हैं, कॉल पर बोल पा रहे हैं, फिर आपको समय देंगे। आप बिल्कुल समय दीजिए लेकिन चिंतन हाँ करिए, ये विद्वान जो है अच्छा। आप बताओ, आप जुड़े हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से क्या? जी आपको हम समय देंगे रात में नहीं, 8 बजे। आप समय तो हम आपसे लेते रहेंगे, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके माध्यम से आप जुड़े हैं? नहीं, हाँ या नहीं बोलिए, जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं? क्या 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 आप क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं, वो अच्छा नंबर आपको बताया 889। अच्छा 889, ओके। तो आप जी इस बात की चिंता बिल्कुल मत पालिए कि कोई अपराधी जुड़ रहा है। जानते क्यों? क्योंकि अपराधी को ना तो टिकट मिलेगा ना कुछ मिलने वाला है, तो यदि अपराधी को कुछ नहीं मिल रहा है और फिर ठीक है भी ठीक वो है जो ठीक है 21 लक्ष्यों के लिए अपराध ठीक है मुक्त भारत से लोगों को जोड़ रहा है, तो ऐसे हाँ अपराधियों को मैं सलाम करता हूँ और ऐसे जी विद्वानों की भर्त्सना करता हूँ जो अपने लिए जीते हैं। जी जी ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जी चलिए चलिए, हाँ आपसे और बाद सब में बात करेंगे। जय हिंद, जय जी भारत, वंदे मातरम।